वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा स्लिप शेयर के लंबर सपोर्ट के बारे में, जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन चीज है। मैं इसको पास्ट एक से डेढ़ महीने से यूज कर रहा हूँ। मेरे लोअर बैक में थोड़ा बहुत पेन था, जो अब इसको यूज करने के बाद बिल्कुल गायब है। ठीक है, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। उससे पहले आपको दिखा देता हूँ इसको कि इसके अंदर किस तरीके का फॉर्म जो आपको मिलता है। ये देख रहे हो, बहुत ज्यादा जबरदस्त क्वालिटी आती है इसके अंदर। इसको अंदर तक दबाऊंगा तो भी अपनी शेप अपने आप ले लेता है, ये देखो। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ टाइम तक अगर आप इसको यूज कर रहे हो या इसको अगर आप बैठ रहे हो सपोर्ट लगा के, तो ये जो दबका दबाकर दबाई रह जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत फाइन क्वालिटी है। मैं आपको दिखाता हूँ उसको कैसे लगाना अपनी गाड़ी के अंदर। इसकी प्लेसमेंट बहुत ज्यादा सिंपल सोबर है, इलास्टिक मिलती है काफी चौड़ी और अच्छी क्वालिटी की। इसको आपको करना क्या है, सिंपल अपनी सीट के ऊपर जो है इस तरीके से घुमा के अपनी सीट के साथ साथ नीचे नीचे लाना है और इसको फिट करना है। बहुत ईजी है, कुछ ऐसा आपको ये दिखता है सपोर्ट लगाने के बाद, कुछ ऐसे नजर आता है। ठीक है, कुछ ऐसे नजर आता है। अब टाइम आ गया इसके ऊपर बैठने का। इसकी सपोर्ट पे अगर आप बैठते हैं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल काफी ज्यादा कंफर्टेबल आपको फील होता है, चाहे तो आपकी सीट कितनी भी कंफर्टेबल हो। ठीक है, चलो मैं आपको ना इसके बारे में कुछ चीजें बता देता हूँ। स्लिप शेयर का लंबर सपोर्ट है ना, इसका एक्चुअली यूज सिर्फ गाड़ी में ही नहीं है। ठीक है, आप इसको ना अपने घर में भी यूज कर सकते हो, आप इसको अपने ऑफिस में यूज कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो, काफी देर तक बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, तो आप इसको यूज कर सकते हो। इसका मेन सपोर्ट पता है क्या होता है, आपके ना जो लोअर बैक और मिड में जो जितना भी बैठने के बाद हमारा प्रेशर पड़ता है ना, ये उसको डिवाइड करता है प्रॉपरली। इससे क्या होता है कि जो पुराना वाला पेन है उसमें तो रिलीफ मिलेगा, और जो आगे पेन होने वाला है वो होगा ही नहीं। ठीक है, तो वही अगर आप चाहते हो कि आपकी राइडिंग क्वालिटी सुधरे, जिसमें कमर दर्द ना हो, चाहे तो आप घर में बैठे चाहे तो ऑफिस में बैठे हो, कमर में दर्द ना आए, और अगर है तो थोड़ा ठीक हो जाए, तो आप इस चीज को अपनी गाड़ी में यूज कर सकते हो। बहुत ज्यादा बढ़िया चीज है, देख रहे हो सब शेप फिर से ले ली। अगर आप परचेस करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन चेक जरूर करना, वहाँ पे आपको उसका लिंक मिलेगा। स्लिप शेयर के नंबर सपोर्ट को परचेस करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है, अमेजोन एज वेल एज स्लिप शेयर का वेबसाइट आपको उसके अंदर मिल जाएगा, जहाँ पे आपको राही 100 टाइप करना है, जिससे कि आप 100 रुपीज का डिस्काउंट भी स्लिप शेयर के नंबर सपोर्ट पर मिल जाएगा। बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ यूट्यूब चैनल, दिस इज योर फ्रेंड गौतम राय। आज के व्लॉग में आपको लेकर आऊँ तरुण बेगस। तरुण बेगस कैसे हैं गाड़ी की हालत वाली कैसी है? गाड़ी बहुत बढ़िया लग रही है। एक बार सबसे पहले गाड़ी कैसी लग रही है आपको? गाड़ी बहुत बढ़िया लग रही है, कलर चेंज। ये गाड़ी की हालत कुछ ऐसे है, मतलब गाड़ी बिल्कुल मेंटेन है। तरुण भी एक बार आप गाड़ी देख लो अंदर बाहर से अच्छे से, मुझे बताओ किसी कंडीशन और कितना टाइम लेगी जो भी चीजें हैं। ये भैया ने गाड़ी खोली, इंटीरियर पे चेक करेंगे। इस पे भैया नीचे देख रहे हो पूरी डस्ट, ड्राई क्लीन होगा, पूरी डस्ट वहां जमी हुई है। चलो गाड़ी में चेक करे, वॉकराउंड करे, वॉश करने के बाद देखते हैं कंपाउंड की नीड है। ठीक है, तो कंपाउंड कर देंगे, नहीं तो वैक्स या सीलेंट कर देंगे। ठीक है, देखते हैं, वो डिपेंड करता है वॉशिंग के बाद। ठीक है, अच्छा भैया इसके ऊपर ग्रेफिंग हुई थी कम से कम शायद 8-9 महीने तो साल होने वाला है। वॉश करने का पहले क्या है, चलो ठीक है। आगे देखते हैं तरुण भैया क्या करते हैं इस गाड़ी के साथ। अभी ये गाड़ी आप लोगों के सामने है, मैं एक बार पास से दिखा देता हूँ। बहुत ज़्यादा गंदी है, पेड़ के नीचे खड़ी थी ये गाड़ी। तरुण भैया क्या बोलोगे जो बंदे गाड़ी रखते हैं पेड़ के नीचे ना खड़ी करें? पेड़ के नीचे मत खड़ी करो, ये क्या होता है, ये एसिडिक होता है। ये वाला फ्रूट है ना, ये पीपल का फ्रूट है जो, हाँ ये एसिडिक होता है, ठीक पेंट खराब कर देगा। तो फिर क्या, गाड़ी कवर करो बेस्ट, गाड़ी या तो अगर पेड़ के नीचे खड़ी हो रही है तो कवर कर, कवर करके रखो। ठीक है, नहीं तो सुबह रोज वॉश करते। तो भी एक चीज और, गाड़ी के टायर ना एकदम सफेद हो गए हैं, काले हुआ करते थे लेकिन अब आप देख लो खुद व्हाइट व्हाइट से हो गए हैं। आप अभी चेक करना इसको, ठीक इस पे एक ऐसा केमिकल मारेंगे, ठीक बिल्कुल ब्लैक निकलेगा, ब्लू ब्लैक। चलो ठीक है, फोम वॉश भी हैवी करेंगे, फोम देखना, फोम की वीडियो आपको दिखाएंगे, देख लो। चलो फॉर्म भी देखेंगे, भैया कह रहे हैं इसको बहुत ही ज्यादा नीड है, तो उस हिसाब से इसके ऊपर फॉर्म वॉश भी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं।
वॉशिंग की क्लीनिंग अपनी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ भैया टायर पे कुछ केमिकल लगा रहे हैं। काफी ज्यादा रस्टिंग हो रखी है इसके ऊपर, है ना भैया, जंग वंग लगा हुआ है काफी ज्यादा। इस पे ब्रश मारने की जरूरत नहीं है, जो ब्रश मारने की नीड नहीं पड़ेगी बिल्कुल नहीं। का प्रोसेस ओवर कंप्लीट। तरुण भैया वॉशिंग तुम्हारी गाड़ी की हो गई? हां वॉशिंग कंप्लीट हो गई है। ठीक, अब इस पे वैक्स कर देंगे क्योंकि ग्रेफिन हुई हुई है। अभी इस पे वैक्स कर देते हैं, वैक्स की शाइन देखते हैं कितनी आती है। अगर वैक्स की शाइन नहीं आई तो हम कर देंगे कंपाउंड, कंपाउंड के बाद सीलेंट कर देंगे, कंपाउंड सीलेंट। और इंटीरियर तो डीप क्लीन है, डीप क्लीन है। यहां ये पीपीएफ की गाड़ी खड़ी है, ये देख लो पीपीएफ है। अब पीपीएफ लग भी नहीं रही कहीं से, पीपीएफ हुई है। तो पीपीएफ के फायदे यही है, एक बार पीपीएफ कराओ वो शाइन मेंटेन रहती है, लेकिन डस्ट के पीछे भी चमक नजर आ रही है। देखो, देख रहे हो भैया ने हाथ कपड़ हाथ ही मारा है और इतना ग्लॉस दिख रहा है इसके अंदर। अभी यहाँ पे हमारी गाड़ी पे जो है मैग्रा की हम वैक्स लगा रहे हैं बेसिकली चेक करने के लिए कि ग्लो कितना आता है, क्योंकि गाड़ी में ग्लॉस बिल्कुल भी नहीं है अभी। ठीक है, यहाँ भैया इसको जो है लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, मतलब जैसे इस पार्ट पे लगाते हुए जाएंगे, पीछे से घूमते 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 आएंगे जब तक इस पार्ट के लिए सफिशिएंट टाइम हो जाएगा। सो एक्सटीरियर पे हमने भी वैक्स लगा के छोड़ी हुई है, अब हमारे यहाँ पे इंटीरियर पे जो है क्लीनिंग प्रोसेस हो गया स्टार्ट। भैया पूरे प्रॉपर इसमें मतलब इसी तरीके से चलेगा पूरी गाड़ी पे? हाँ, जितना भी डस्ट पार्टिकल इसके अंदर है सारा क्लीन हो जाएगा भैया बता रहे हैं। डैशबोर्ड ओके। अच्छा भैया डैशबोर्ड इसे डल पड़ जाता है धूप पड़ पड़ेगी तो इससे काफ़ी हद तक फर्क पड़ेगा ना? क्लियर हो जाएगा, उसके बाद पॉलिश लग जाएगा। अच्छा, यहाँ पे भैया डोर पे क्या कर रहे हैं हम? ये डोर पे एबीसी से ड्राई क्लीन हो रही है, डीप क्लीन जिसको कहते हैं, जितने स्टेन्स हैं वो निकल जाएंगे, देन उसके बाद पॉलिशिंग हो जाएगी। अभी स्टेन्स वर्क हो रहा है, सिर्फ स्टेन्स जो निकलेंगे उसके बाद वैक्यूमिंग पॉलिशिंग। अच्छा, लेदर कंडीशनिंग ओके। हाँ जी, फिर सैनिटाइजेशन वगैरह। चलो, काफ़ी डल पड़ गई थी गाड़ी। हाँ, अब आप चेक कर सकते हैं। हाँ, फर्क देखो। हमने एकदम रॉ है, मतलब काम करना बाकी है इस पर। ये देख लो गेट और पीछे वाला गेट देख लो कितना ज़्यादा फाइन दिख रहा है पीछे। इस वाले में काफ़ी ज़्यादा मतलब डलनेस वगैरह काफ़ी है। और यहाँ देखो भैया ने उसको पूरा क्लीन आ जाती है, ब्लैक स्टोन ना डलनेस है इसके अंदर। यहाँ पे स्टोन आ जाती है, ये देखो दाग धब्बे भी, दाग भी नज़र आ रहे हैं और डस्ट भी जमी हुई है मतलब। और यहाँ तो एकदम नई गाड़ी वाली फील यहाँ पे आ रही है, इंटीरियर में जबरदस्त वाली। ऑलमोस्ट काम कंप्लीट है, कंडीशनिंग चल रही है, क्लीनिंग चल रही है।
ये विदाउट पॉलिशिंग है, विद पॉलिश, विद पॉलिश, विद पॉलिश। तरुण भाई क्या कर रहे हैं भैया अंदर कंपोनेंट पॉलिशिंग चल रही है, लास्ट स्टेप जो पॉलिशिंग, पॉलिशिंग कैसे पॉलिशिंग चल रही है, ठीक है, मतलब उसके बाद गाड़ी ले जा सकते हैं। हाँ, इसके बाद ले जा। अच्छा भैया, अच्छा एक बात बताओ भैया, नॉर्मल अगर इस काम को करवाना है किसी को तो कितना टाइम लग जाता है? देखो, इंटीरियर अगर डिटेलिंग करवानी है 3 घंटे चाहिए, 3 घंटे चाहिए चाहिए, मतलब डिटेलिंग के लिए। हाँ जी, ताकि तबीयत से काम हो जाए गाड़ी। 3 घंटे इंटीरियर इंटीरियर में चाहिए, साथ में वॉशिंग वैक्सिंग, वॉशिंग वैक्सिंग। हाँ कम, चलो ठीक है। तो भैया ने बताया यहाँ पे इतना टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा इंटीरियर के लिए। अच्छा भैया, और हम क्या करते हैं, पीपीएफ करते हैं, सिरामिक करते हैं, सिरामिक करते हैं, वॉशिंग वैक्सिंग स्टार्ट है, 500 रुपये से स्टार्ट है, ठीक है भैया, और 2.5-3 लाख रुपये तक सारा काम करते हैं, सारा काम करते हैं। वॉशिंग वैक्सिंग, फिर वॉशिंग वैक्सिंग के बाद आता है इंटीरियर बेसिक क्लीनिंग, वैक्यूमिंग पॉलिशिंग, एंड उसके बाद आता है सर कंपाउंडिंग, ठीक, कंपाउंडिंग में माइनर स्क्रैचेस डलनेस आउट हो जाती है, ठीक, उसके बाद आती है टेफ्लोन कोटिंग, ठीक, टेफ्लोन कोटिंग के बाद आती है ड्राई क्लीनिंग, ठीक, ड्राई क्लीनिंग ये डिटेलिंग, इंटीरियर डिटेल, हाँ, उसके बाद आता है टोटल पैकेज डिटेलिंग का, इंटीरियर एक्सटीरियर, ठीक, देन नैनो कोटिंग, सिरामिक कोटिंग, पीपीएफ, सारा ही होता है, A to Z। भैया ने सारे गिना दिए, आधे तो मेरे को पता नहीं होंगे, लेकिन भैया ने सारे गिना दिए, और गाड़ी को देख के मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ। मतलब मेरी गाड़ी आपने पहले भी देखी थी कैसी थी, और अब आप भी देख रहे हो और आप लोग भी देख रहे हो, ठीक है, कि गाड़ी कैसी है, तो कमेंट के जरूर बताना अब आपको गाड़ी कैसी लग रही है। उस तरीके का काम नहीं हुआ जो होना चाहिए, अभी जो होना चाहिए था इस पे करेंगे नेक्स्ट टाइम कंपाउंड। आज वैक्स की, वैक्स की शाइन है ये, जे वैक्स की शाइन है, खाली वैक्स की शाइन आप दिखा सकते हो, वैक्स में इतनी शाइन है, इतनी शाइन वैक्स में आ गई, ठीक, कंपाउंड में लगा लो, माइनर स्क्रैचेस डलनेस सब आउट हो जाएगी, एंड टचिंग भी कर देंगे जो पेंट, चलो भैया हां ठीक है ठीक है, टचिंग की नीड भी है इसको ना, तो निकालेंगे दूसरे दिन फिर से इसमें कंपाउंडिंग मोल्डिंग करेंगे। आज भी आपका पूरा दिन लगवा दिया, नहीं वो कोई दिक्कत नहीं है, अपना चलता है, लेकिन जो भाई लोग देख रहे हैं ना काम कराने आएंगे आपके पास एम्बियंस मॉल में, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको डीप क्लीनिंग करानी है तो 3 घंटे लेकर आओ ना भैया, ऊपर ऊपर मॉल है, घूमो घूमो, गाड़ी भूल जाओ नीचे है, चलो ये सही। पे भाई गाड़ी हमने रेडी हो गई है, तो पहले तरुण भैया कैसे हो? ऑल गुड, बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो। अच्छा तरुण भैया, गाड़ी में क्या है काम किया पहले बताओ, जब गाड़ी आई थी तब से और अब में आपको गाड़ी कैसे लग रही है? गाड़ी आई थी जब आपको आप डालोगे इसमें, जानते ही हो हमारे व्यूअर्स, ये यहाँ से यहाँ तक का सफर हम लोगों ने तय कर लिया है। तो सबसे पहले भैया हमने इसकी बॉडी पे क्या काम किया है? फोम वॉश किया है इसपे, ठीक, फोम वॉश के बाद वाटर वॉश किया, ठीक, देन वैक्स अप्लाई किया, ठीक है। अच्छा भैया एक बात बताओ, अगर नॉर्मल गाड़ी में बहुत सारे स्क्रैच है तो आप वैक्स बोलते हो करवा लो या सिरेमिक बोलते हो करवाने के लिए? कंपाउंड करवा, कंपाउंड बजट है, ठीक, अगर जैसे छोटी गाड़ी है किसी ने बजट नहीं है तो कंपाउंड करवा ले, कंपाउंड करवा लो, कंपाउंड में माइनर स्क्रैचेस निकल जाएंगे, डलनेस निकल जाएगी, उसके बाद प्रिकॉशंस यही है कि माइक्रोफाइबर टॉवल यूज करना है। हाँ अच्छा भाई एक चीज़ बताओ, जैसे मेरी गाड़ी अभी वाइट हो गई है, ठीक है, वैसे अगर मैंने देखा है वाइट गाड़ी है ना, पीली पीलापन आया था, हाँ एटमॉस्फेयर है ना, देखो इतनी धूल मिट्टी उड़ती है, पोल्यूशन इतना है, ठीक, तो एटमॉस्फेयर डिपेंड करता है, एटमॉस्फेयर के हिसाब से वो चीज़ हो जाती है, तो उसके लिए कंपाउंडिंग करानी जरूरी है, कंपाउंडिंग। अच्छा भाई एक बात बताओ, कंपाउंडिंग कराए कलर तो नहीं खराब होता ना गाड़ी का? नहीं, कलर खराब नहीं होता। मैं ये जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो कमेंट में आने वाले हैं, नहीं नहीं कलर खराब नहीं होता, देखो फ्री ऑफ सिलिकॉन एंड फिलर है, ठीक, उसमें ना तो फिलर है, ना फिलर है ना सिलिकॉन है, ठीक, तो उसमें कुछ रबिंग तो हम कर नहीं रहे, ठीक, रबिंग मोटी लेयर, रबिंग से लेयर कटती है, ठीक, कंपाउंड कर रहे हैं जो फ्री ऑफ सिलिकॉन एंड फिलर है और टॉप टॉप फर्स्ट कंपनी के हैं, ठीक, जो ब्रांडेड है, ठीक ठीक ठीक। अच्छा ये तो होगी हमारे एक्सटीरियर की लुक जो कि काफी बढ़िया निकल कर आई है, ठीक है भैया, नो डाउट पहले गाड़ी बहुत गंदी थी, बहुत ज्यादा अच्छी खासी मेहनत लगी है, काफी टाइम लगा है, लेकिन गाड़ी की लुक निकल के आ गई है, ठीक है। अच्छा भैया ये तो हो गया हमारी एक्सटीरियर की बात, उसके बाद अलॉय मेरा भैया बहुत ज्यादा गंदा था, एकदम डस्टी, जो है क्लीनर आता है इसका, क्लीनर आता है, ठीक, क्लीन हो जाता है। एक बार लुक दिखाया था आप लोगों को, ये आपने बिफोर भी देखे होंगे, अब ये आफ्टर देख लो, मतलब अच्छी लुक निकल के आई है जिस हिसाब से गंदे थे ये, और ये बेसिक पैकेज की है, बेसिक पैकेज में ये गाड़ी हुई है, ठीक, जो मतलब कि नॉर्मल आपका 1200 रुपए का पैकेज है, छोटी गाड़ी का 1000 रुपए का पैकेज है। लो भाई हो मैंने बताया, छोटी गाड़ी का 1000 का है, बड़ी गाड़ी का 1200 का है, बड़ी गाड़ी भी ले आओ, ठीक, आपकी रेफरेंस आएगी 1000 रुपए। लो भाई अब तो आके करवा ही लो, जब मर्जी आना जिसको भी आना। अच्छा एक बार आप गाड़ी का गेट खोल के हमें अंदर एंट्री कराओ और अंदर का दिखाओ हिसाब किताब, ये देख लो भाई
भैया ने यहाँ पे गाड़ी का जबरदस्त काम करा दिया है। पहले गाड़ी के डोर से बहुत ज्यादा डलनेस थी, डस्ट थी, अब यहाँ पे वो चीज बिल्कुल भी नजर आपको नहीं आएगी। एक डोर थोड़ा हैवी है, भैया को पकड़ना पड़ रहा है। ये लो, मतलब जिसे न्यू आया था ना, जब से नई गाड़ी ली थी मैंने, वो वाली फील इसके अंदर फिर से आ रही है। जैसे नई गाड़ी ली थी भैया मैंने, तो ये कलर था गाड़ी का, अब ये कलर छुप गया था कहीं, अब ये कलर निकल के फिर से आया है कम से कम 5 साल बाद। ठीक है, अब बात करते हैं गाड़ी के अंदर, तो यहाँ भी देख लो भैया ने पूरी अंदर से क्लीनिंग करवाई है गाड़ी की। सीट्स भी आपने पूरी यहाँ पे, हाँ सीट्स भी पूरी केमिकली वॉश होने के बाद ठीक, इस पे कंडीशनिंग होगी, कंडीशनिंग होगी लेदर। इसमें क्या है, कंडीशनिंग का फायदा ये है कि लेदर ना कटेगा नहीं। ठीक, हाँ जी, ये भी सही है। ये एक्सटीरियर का जो मैं कह रहा था वो 1200 रुपए का पैकेज है, इंटीरियर का जो ड्राई क्लीनिंग डीप क्लीनिंग है ना वो है जी, वो है ठीक है। तो भाई यहाँ भैया ने आपको प्राइसिंग बता दी, कई जगहों में क्या होता है प्राइसिंग को लेके काफ़ी ज़्यादा इश्यूज रहते हैं, काफ़ी लोग प्राइसिंग वगैरह शेयर नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग हैं प्राइसिंग वगैरह भी भैया ने शेयर कर दिए। एक बार मैं आपको रेयर से भी चेकआउट कराया था, गाड़ी कैसी लग रही है अपनी इस टाइम पे, ये एकदम सामने से देख लो, ये रेयर लुक देख लो गाड़ी का, बिफोर आफ्टर ऑलरेडी आपने सिनेमेटिक में देख ही लिया है। ठीक है, हम वॉशिंग वैक्सिंग से स्टार्ट है 500 रुपीज से, ठीक है 500 रुपए में बाहर से पूरे गुड़गांव में आपको सर्विस नहीं मिलेगी ऐसी। हाँ। 500 रुपए में फोम वॉश, वाटर वॉश, फिर उसके बाद वैक्स अप्लाई करते हैं, टायर ड्रेसिंग, मिरर ड्रेसिंग, सब इंक्लूड है, सब कुछ इंक्लूड है 500 रुपए में। 504 हैचबैक, 500 फॉर हैचबैक, ठीक, सेडान एंड एसयूवी 600, ठीक, हाँ जी ठीक है। अभी उसी में अगर वो इंटीरियर भी करवा लें थोड़ा इस तरीके से क्लीन वगैरह, इंटीरियर देखो बेसिक क्लीन करवाओगे जिसमें वैक्यूमिंग, पॉलिशिंग, मैट क्लीनिंग, साइड क्लीनिंग वगैरह, तो वो सेम है 500 इंटीरियर, 500 एक्सटीरियर, ठीक 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 है जी। और उसके बाद ड्राई क्लीनिंग जो है, डीप क्लीनिंग, डिटेलिंग, इंटीरियर डिटेलिंग जो है वो स्टार्ट है 2000 रुपए से, ठीक 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 2000 रुपए से स्टार्ट है, जैसे गाड़ी है उसी हिसाब से प्राइस है। हाँ, लेकिन ये है कि भैया का ना काम यहाँ पे आप देख पाएंगे बहुत जबरदस्त है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि गाड़ी की लुक मैंने ये नई टाइम नहीं ली थी उस टाइम देखा था और उसके बाद मैं आज देख रहा हूँ, मतलब ये लगा लो गाड़ी खड़ी रहती है। हाँ, मैं भी चलाता नहीं हूँ, मेरा भाई यूज करता है, अभी मेरे को जाके उसके एक्सप्रेशन भी देखने की उसको गाड़ी कैसी लग रही है। तो अच्छा भैया चलो अपना पहले एड्रेस बताओ हमारे व्यूअर्स को, MBS मॉल 2 नंबर गेट से अंदर एंटर हो गए, बेसमेंट 2 में सामने ही है वैक्स कार केयर, बेसमेंट 2 में सामने उतरोगे, ये सामने है भैया, सामने एंट्री है, ये सामने एंट्री है, वो बीएल से लिख रहा होगा आपको नीचे, वहीं से गाड़ियां जो है अंदर आया करती है सीधा भैया के पास है ना। हाँ जी, हाँ जी। बाकी भैया आपका कॉन्टेक्ट नंबर बता दो एक बार, कॉन्टेक्ट नंबर है 7838988022, सेकंड है 8181812935, ठीक है। अच्छा भैया एक चीज और, जो जो हमारे मतलब NCR मतलब जैसे भी भाई लोग आना चाहते हो तो आ जाएंगे, हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो कोई बुजुर्ग वगैरह होते हैं, वो लोग गाड़ी तो प्यार बहुत है पर टाइम नहीं है या आ नहीं पाते, सर डिटेलिंग ऑन ड्राइव भी है हमारा, डिटेलिंग ऑन ड्राइव भी चल रहा है उसमें भी आपको, लेकिन उसमें क्या है एक गाड़ी नहीं 2-3 गाड़ियां कम से कम होनी चाहिए तो हो जाएंगी, ठीक ठीक ठीक। और मतलब लोकेशन डोर स्टेप पे, डोर स्टेप सर्विस आल्सो अवेलेबल, ठीक ठीक। चलो भाई ये सबसे अच्छी चीज, और उसकी प्राइसिंग भैया सेम रहेगी, सेम रहेगी। चलो भाई ये सबसे अच्छा है कि और डोर स्टेप प्राइसेस में कंप्लीट, देखो प्राइसेस में आपको पूरे गुड़गांव में सबसे अच्छा काम मिलेगा, ठीक। मैं ये नहीं कहता कोई गलत काम करता है, मैं ये नहीं कह रहा कोई गंदा काम कर रहा है या कोई अच्छा काम नहीं कर रहा, ठीक ठीक। सब काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन प्राइसिंग के हिसाब से आप एक बार आके देखिए, सही बात है भैया, एक प्राइसिंग के हिसाब से और प्रोडक्ट के हिसाब से, प्रोडक्ट के। अगर आपको अपनी गाड़ी में ऐसा काम करवाना है तो आप आ सकते हैं तरुण भैया के पास, डिटेल्स आपको ऑलरेडी बता दिए बट स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, बाकी लोकेशन ही तो ऑब्वियसली बात है बहुत सिंपल है, MBS मॉल गुड़गांव आ सकते हैं, 2 नंबर एंट्री, 2 नंबर एंट्री से। एक मैं आपको डिटेलिंग ऑन ड्राइव का पेज भी बता देता हूँ, हाँ एक पेज होते हैं, हाँ इस पे फॉलो करो, फॉलो करके भी डिस्काउंट देंगे हैवी आपको, ये डिटेलिंग ऑन ड्राइव है, ये पेज है डिटेलिंग ऑन ड्राइव, ठीक ठीक ठीक। डिटेलिंग ऑन ड्राइव इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लेना, भैया कह रहे हो उससे आपको डिस्काउंट मिलेगा, और अगर हमारी वीडियो देखे कोई आएगा तो उसके लिए भी आने डिस्काउंट। चलो आज के लिए बस इतना ही था, अगर वीडियो अच्छा लगाओ यूजफुल लगाओ तो लाइक करके जाना, मैं मिलता हूँ आपको तरुण भैया के फ्यूचर में और वीडियोस में, टिल देन।